Assalamu alaikum. Today's lecture is about general concepts of genetics as well as about cell cycle. DNA is basically a genetic material और last lecture में भी आपने देखा था कि DNA proteins की form में present होता है. Chromosomes जो हैं वो present होते हैं. Chromosomes genetic materials को handle करते हैं. DNA के अंदर प्रोटीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं. यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोकैरियोट सेल्स वो होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. यूकैरियोटिक सेल्स कम्प्लेक्स होते हैं और इनके अंदर प्रॉपर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लाइफ के मोस्ट ऑफ द पार्ट में क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिस्पर्स्ड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं. मींस वो कंबाइन प्रेजेंट नहीं होते. एक क्रोमोसोम की एक जो प्रॉपर शेप है, एक कम्पैक्ट फॉर्म है, उस फॉर्म में वो हर टाइम प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि वो एक डिस्पर्स्ड सी स्टेट में प्रेजेंट होते हैं जिसको क्रोमाटिन कहा जाता है. तो ये क्रोमाटिन की डेफिनेशन है के, और क्रोमाटिन यहाँ पर भी इसकी फर्दर जो आप क्रोमाटिन किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से, यहाँ से आप क्रोमाटिन की अगर डेफिनेशन आती है तो फर्दर यहाँ से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. स्टार्ट आप यहाँ से करेंगे जहाँ पे क्रोमाटिन के बारे में लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ अ सेल क्रोमोसोम आर इन हाईली डिस्पर्स स्टेट कॉल्ड क्रोमाटिन, और फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि क्रोमाटिन डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है. जब क्रोमोसोम अपनी प्रॉपर स्टेट में प्रेजेंट नहीं होते और क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो फिर जीन्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. तो ये जीन्स की डेफिनेशन है, दैट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस आर कॉल्ड जीन्स. और ये फिर उस टाइम पे वर्किंग करते हैं जब क्रोमोसोम अपने फुल स्टेट में प्रेजेंट नहीं होते, और फिर ये प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं. लेकिन जब रिप्रोडक्शन का टाइम होता है या फिर जब सेल ने डिवाइड करना होता है, तब फिर क्रोमोसोम अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं, कम्पैक्ट फॉर्म में आ जाते हैं, और फिर अलाउ करते हैं कि अच्छे तरीके से सारी की सारी जो रिप्रोडक्शन है वो भी कंप्लीट हो सके, और जो मटेरियल है वो अच्छे तरीके से न्यूली सेल्स के अंदर डिवाइड हो सके, न्यूली फॉर्म सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर भी प्रॉपर जाए, क्योंकि क्रोमोसोम्स का नंबर नेक्स्ट जनरेशन में प्रॉपर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अगर क्रोमोसोम एक नंबर भी, अगर हर हर स्पीशी के अंदर क्रोमोसोम्स का एक फिक्स नंबर प्रेजेंट होता है, अगर किसी भी स्पीशी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम का एक भी नंबर कम या ज़्यादा हो जाता है, तो ऑर्गेनिज्म जो है तो होता है वो नॉर्मल नहीं होता. या तो उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, या फिर ट्रांसजेंडर की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि थर्ड जनरेशन जिनको हम कहते हैं, या फिर जो नॉर्मल मेल और फीमेल के अंदर नहीं आते, या फिर बहुत से ऐसे जिनके ऐसे लोग जो जिनके अंदर कोई स्वेयर बीमारी होती है, जो एबनॉर्मल होते हैं, कोई ना कोई उनके अंदर डेफिशिएंसी आ जाती है. तो ये सारी की सारी चीज़ें क्रोमोसोम का नंबर डिसबैलेंस होने की वजह से होता है. क्रोमाटिन जो है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स की हेल्प से बनता है, और जब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स का आपस में कम्प्लेक्स एक कम्बिनेशन, एक पैकिंग बन जाती है, तो डीएनए फिर क्रोमोसोम्स के अंदर पैक हो जाता है, और फिर डीएनए की एक्टिविटी जो है वो चलती जाती है, और डीएनए के अंदर ही सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर्ड होती है. 5 टाइप्स के डिफरेंट हिस्टोन्स प्रोटीन्स होते हैं, इनका आपने नंबर याद करना है, यहाँ तक मार्क किया हुआ है, जहाँ जहाँ पे मार्क किया हुआ है आपने इतना उतना ही करना है. उसके बाद आप यहाँ पे नीचे से स्टार्ट करेंगे. यहाँ से स्टार्ट करने के बाद आप इसमें बताएंगे कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं या क्रोमोटिन मटेरियल जो होता है वो हर सेल के अंदर प्रॉपरली एक्टिव नहीं होता. कुछ ऐसे भी जीन्स होते हैं जो कि एडोलिसेंस होता है, जब कोई पर्सन जो होता है वो एडल्ट हो जाता है या फिर एक सर्टेन एज को पहुंच जाता है, तो बहुत से ऐसे जीन्स होते हैं जो कि एक सर्टेन एज लिमिट पे जाने के बाद फंक्शनिंग करते हैं, उससे पहले वो बॉडी के अंदर स्टोर्ड रहते हैं. और बहुत से ऐसे भी क्रोमोसोम हैं जो कभी जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो कभी भी फंक्शनल फॉर्म में नहीं आते. एट टाइम्स ऐसा होता है कि पर्सन की बॉडी के अंदर कुछ ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक लिमिट पे जाके एक्टिवेट हो जाते हैं,
इसी वजह से बहुत से लोगों में ऐसे ट्रेट्स जो कि उनमें बचपन में नहीं होते, वो एक सर्टेन एज में जाने के बाद शो होने लग जाते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि अगर लाइफ में कभी शो ना हो तो उनके जो आने वाले ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो ट्रेट्स उनके ऑफस्प्रिंग्स में शो होने लग जाते हैं, क्योंकि वो जीन्स कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स में इनएक्टिव फॉर्म में थे, लेकिन ऑफस्प्रिंग्स में जाने के बाद वो एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट हो जाते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम के जो इनएक्टिव पोर्शन होता है तो वो सर्टेन बैंड्स की फॉर्म में, डार्क बैंड्स की फॉर्म में एक पैटर्न बना लेते हैं, और इन रीजन्स को कहा जाता है हेटरोक्रोमेटिक रीजन्स। और क्रोमोसोम्स के वो रीजन जो कि एक्टिव होते हैं, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं बॉडी की फंक्शनिंग में और रिप्रोडक्शन में, उनको यू क्रोमेटिन रीजन्स कहा जाता है। मीन्स क्रोमोसोम के ऊपर दो तरह के रीजन्स होते हैं, एक इनएक्टिव और एक एक्टिव। इनएक्टिव को हेटरोक्रोमेटिन रीजन्स कहेंगे, और जो एक्टिव होते हैं उनको क्रोमेटिन रीजन्स कहा जाता है। उसके बाद डेफिनेशन आती है सेक्स क्रोमोसोम और ऑटो क्रोमोसोम्स की। ऐसे क्रोमोसोम्स जो मेल में डिफरेंट होते हैं और फीमेल में डिफरेंट होते हैं और वो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प आउट करते हैं, तो उनको सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाते हैं। और ऐसे क्रोमोसोम जो कि टोटली एक जैसे होते हैं और जो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प आउट नहीं करते, इनकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती सेक्स डिटर्मिनेशन में, तो उनको ऑटो क्रोमोसोम्स कहा जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन है सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटो क्रोमोसोम की। उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कोई भी एक जो स्पीशी है, जैसे ह्यूमंस हैं तो सब ह्यूमंस के अंदर, फीमेल्स के अंदर फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, मेल्स के अंदर फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन मींस के एक स्पीशी के अंदर क्रोमोसोम का नंबर फिक्स होता है, जैसे एनिमल की कोई स्पीशी है तो उसके अंदर उनका क्रोमोसोम का नंबर फिक्स होगा, लेकिन डिफरेंट स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोम का नंबर वेरी कर सकता है। जैसे ह्यूमन एक डिफरेंट स्पीशी है, अगर मंकी जो है वो एक डिफरेंट स्पीशीज है, तो ह्यूमन के अंदर और मंकी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग होंगे, लेकिन अगर सारे ह्यूमंस की बात की जाए तो उसमें मेल्स के सब मेल्स का सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा और सबके सब फीमेल्स का सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो विद इन अ स्पीशीज जो है वो क्रोमोसोम का नंबर फिक्स रहता है, लेकिन अमंग स्पीशीज डिफरेंट जो स्पीशीज हैं उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर वेरी कर सकता है। डिफरेंट एनिमल्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर 10 से लेके 50 तक वेरी कर सकता है। क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इनके जो नंबर होता है वो एक्सप्रेस होता है एन की फॉर्म में। तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है उनको कहते हैं कि वो 2n क्रोमोसोम है, या फिर उनको डिप्लॉइड भी कहा जाता है। वो कंडीशन डिप्लॉइड होती है जिसके अंदर 2n क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे एनिमल जिनके अंदर सिर्फ 1 सेट प्रेजेंट होता है, उनके अंदर एन क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हेप्लॉइड कहा जाता है। डिप्लॉइड स्टैंड फॉर 2n एंड हेप्लॉइड स्टैंड फॉर 1n, और इसकी एग्जाम्पल भी दी गई है। जैसे कि हेप्लॉइड जो है वो हनी बीज, मेल हनी बीज जो है उनकी एग्जाम्पल है कि उनके अंदर हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर 2 सेट से भी ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको कहा जाता है पॉलीप्लॉइडी, क्योंकि उनके अंदर 2 से ज्यादा क्रोमोसोम्स के सेट जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। जब क्रोमोसोम्स के नंबर जो है वो अपसेट हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो उससे रिप्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें भी पॉलीप्लॉइडी जो है वो प्रेजेंट होती है, क्योंकि उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो फिक्स नहीं होता। उसके बाद स्टार्ट होता है सेल साइकिल, कि सेल साइकिल क्या चीज है और इसके अंदर कौन कौन से फेजेस प्रेजेंट होते हैं। सेल की लाइफ तब स्टार्ट होती है जब पेरेंट सेल्स डिवाइड करते हैं, और पेरेंट सेल्स की डिवीजन से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और उनकी रिप्रोडक्शन से न्यू सेल्स जो हैं वो उनकी फॉर्मेशन होती है। जो न्यू सेल बनते हैं फिर उनकी मेंटेनेंस होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी ग्रोथ होती है, और ग्रोथ होने के बाद जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद वो तैयार हो जाते हैं न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर जो न्यू प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं वो जब अच्छे से मेच्योर हो जाते हैं फिर वो अगली जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक साइकिल चलता जाता है। यहाँ से सेल साइकिल की डेफिनेशन है
कि द लाइफ ऑफ अ सेल फ्रॉम इट्स बिगनिंग अंटिल इट डिवाइड्स टू प्रोड्यूस द न्यू जनरेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड सेल साइकिल। ये सेल साइकिल की डेफिनेशन है कि एक सेल के तब तक सेल साइकिल, एक सेल की वो लाइफ जब तक वो रिप्रोडक्शन की फेज में नहीं जाता तब तक सेल साइकिल जो है वो चलता जाता है, मीन्स के उतनी लाइफ सेल साइकिल में आती है। जब सेल फर्दर डिवीजन में चला जाएगा तो फिर उसकी लाइफ की फर्दर स्टेजेस स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन जब तक वो डिवाइडिंग स्टेज में नहीं जाता, जब तक न्यू जनरेशन की फॉर्मेशन में नहीं जाता, तब तक सेल को कहा जाता है कि ये फेज इसकी लाइफ का, इसका सेल साइकिल चल रहा है। इसके बाद आती है माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस की डेफिनेशन भी है। माइटोसिस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है क्रोमोसोम्स को टू डॉटर सेल्स के अंदर। माइटोसिस जो है वो नंबर को डबल करती जाती है, जबकि मियोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसको रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। हमारी थ्रू आउट द लाइफ या फिर प्लांट्स की लाइफ माइटोसिस चलती रहती है क्योंकि सेल्स डिवाइड करते रहते हैं, लेकिन जब रिप्रोडक्शन की बात, जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट होनी होती है तो उसके अंदर जो फेज आता है उसको कहते हैं मियोसिस। मियोसिस जो है वो नंबर, क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस कर देती है, हाफ मेल और हाफ फीमेल पार्टनर के क्रोमोसोम जो है वो कंबाइन होके उनका नंबर कंप्लीट होके जो आने वाली जनरेशन होती है उसके अंदर जाता है। और साइटोकाइनोसिस जो है वो एक ऐसा फेज होती है, एक ऐसा फेज होता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पार्टीशन करता है और दो डॉटर सेल्स बनते हैं। जैसे एक सेल है उनके दरमियान पार्टीशन होती जाएगी और पार्टीशन होने से एक सेल्स दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये साइटोकाइनोसिस की डेफिनेशन है। देन उसके बाद डेफिनेशन आती है इंटरफेज की। इंटरफेज इज द टाइम बिटवीन एंड ऑफ साइटोकाइनोसिस एंड बिगनिंग ऑफ न्यू मियोटिक माइटोटिक डिवीजन, मीन्स जहाँ पे साइटोकाइनोसिस एंड हो रही हो और न्यू माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो रही हो उसके सेंटर का जो टाइम होता है उसको इंटरफेज कहा जाता है। तो ये माइनर सी डेफिनेशन है जो कि आपने इसमें करनी है कि जब तक एक सेल डिवाइडिंग स्टेज में नहीं जाता तब तक वो सेल साइकिल तो तब तक वो सेल साइकिल की कंडीशन में होता है। उसके बाद माइटोसिस जो है वो डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है उनको सेट करती है, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके बाद साइटोकाइनोसिस आती है। साइटोकाइनोसिस जो है वो पार्टीशन होती है साइटोप्लाज्म की दो डॉटर सेल्स के दरमियान में, और साइटोकाइनोसिस जब एंड हो रही होती है और न्यू माइटोटिक डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो रही होती है तो उसके सेंटर के टाइम को कहा जाता है इंटरफेज। और ये टाइम होता है सेल की ग्रोथ का जिसमें डीएनए सिंथेसिस भी होती है और फिर नेक्स्ट प्रेपरेशन जो है नेक्स्ट माइटोटिक डिवीजन की प्रेपरेशन भी साथ साथ स्टार्ट हो जाती है, मींस कभी भी सेल की एक्टिविटीज स्टॉप नहीं होती। जब सेल बिल्कुल अर्ली ग्रोथ स्टेजेस में होता है तो उसको कहा जाता है G1 फेज, जिसको फर्स्ट ग्रोथ और गैप फेज भी कहा जाता है। तो सेल जब बिल्कुल अर्ली ग्रोथ फेज में होगा तो उसको हम कहेंगे वो G1 या फिर ग्रोथ फेज या फिर फर्स्ट ग्रोथ फेज या फिर फर्स्ट ग्रोथ जो है वो सेल की हो रही होती है। तो ये अब इन लाइंस के अंदर सेल के डिफरेंट फेजेस के बारे में बताया गया है, तो ये एक एक लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करेगी डिफरेंट डेफिनेशंस को। G1 फेज के बाद नेक्स्ट फेज आता है S फेज। यहाँ पे सेपरेट आउट करके फेजेस के नेम नहीं दिए गए, लाइन वाइज दिए गए हैं। तो आपने करना है फर्स्ट फेज हो गया G1 फेज, देन नेक्स्ट फेज आ गया S फेज। और S फेज जो होता है इसके अंदर ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, ग्रोथ होती जाती है और इस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन भी होती है। फिर S फेज के बाद अगला फेज आता है G2 फेज, जिसको सेकेंड ग्रोथ और गैप फेज भी कहा जाता है, और ये सेल को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। ये फेज डिवीजन के साथ साथ सेल को प्रिपेयर करने के साथ साथ इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की रेप्लिकेशन भी होती है, बहुत सी और ऑर्गेनेल्स जो हैं उनकी भी रेप्लिकेशन होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की सिंथेसिस होती है और प्रोटीन्स जो हैं वो स्पिंडल फाइबर्स बनाती हैं, जो कि स्पिंडल फाइबर्स आप नेक्स्ट देखते हैं कि जब माइटोसिस स्टार्ट होती है और मियोसिस होती है उसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं उनका रोल होता है, जो कि जिनके जो अरेंज होते हैं जिनके ऊपर फिर क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने आप को अरेंज करके प्रोसेस को
स्टार्ट करते हैं तो माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है, और उसके अलावा क्रोमोसोम्स भी आपस में कंडेंस हो जाते हैं। उसके बाद एम या फिर माइटोटिक फेज आता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स की पार्टीशन होती है दो डॉटर सेल्स के दरमियान। इसके अलावा साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड करता है दो सेल्स में, जिनको दो डॉटर सेल्स कहा जाता है, और साइटोप्लाज्म की डिवीजन को साइटोकाइनोसिस कहा जाता है। तो ये सेल साइकिल है, जब तक सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं होती तब तक ये सारे फेजेज इसके अंदर आते हैं। फेजेज आपने लाइन वाइज करने हैं कि G1 फेज, S फेज, G2 फेज, और इन सारे फेजेज के अंदर सेपरेटली क्या क्या हो रहा होता है वो करना है, और एट दी एंड M फेज या फिर माइटोटिक फेज। इसके अलावा साइटोकाइनोसिस की डेफिनेशन, इंटरफेज की, माइटोसिस क्या है, सेल साइकिल क्या है, इन सब की डेफिनेशन आपने करनी है। तो सेल साइकिल आता है तो उसके अंदर आप ये सारा लिखेंगे।